अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डे 3 का वर्क जिसमें हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स में मैं आपको सिंपल इस तरह हेल्प करूंगी कि मैं आपको ये बता सकती हूँ, रीड द प्रॉब्लम्स केयरफुली, डिसाइड वेदर यू शुड ऐड और सब्ट्रैक्ट टू सॉल्व देम, राइट कंप्लीट स्टेटमेंट। बेटा, वर्ड प्रॉब्लम्स की पहला रूल तो ये होता है कि आपने इसका आंसर बिल्कुल उस तरह देना है जिस तरह इन्होंने आपको क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। सिंपल वन वर्ड आंसर नहीं देना होता, कंप्लीट स्टेटमेंट देनी होती है, आदर स्ट्रॉन्ग और व्हाटएवर। अब देखें, आप फैक्ट्री मेड 64,750 जूट बैग्स ऑन मंडे एंड 51,060 मोर ऑन ट्यूसडे। इन्होंने यहाँ पे दो नंबर्स बताए हैं, जैसे मंडे को बताया इन्होंने इतने बैग्स बने और ट्यूसडे पर इतने बैग्स बने। हाउ मेनी बैग्स वर मेड ऑल टुगेदर। एक आपको यहाँ पे मैं हिंट ये दे देती हूँ कि जहाँ पर ऑल टुगेदर का वर्ड यूज हो रहा हो, यू शुड हैव टू डू एडिशन, ठीक है। ऑल टुगेदर में हम हमेशा एडिशन प्रेफर करते हैं, और जहाँ पर भी आपको डिफ्रेंसिएशन की बात आ रही हो, दो चीज़ें वैल्यूज दी गई, हमें बताया हो इसमें से इतना निकाला तो कितना बचा, तो वहाँ पर हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर एडिशन की बात हो रही है, देखते ही समझ जाना आपने, ठीक है। पहली चीज़ आपने जो है ना ये करनी है, उसके बाद हम आते हैं इसके स्टेटमेंट की तरफ। सॉल्यूशन, आप पूरा क्वेश्चन लिखेंगे फिर इसका आंसर लिखेंगे, मैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन बता रही हूँ। अ फैक्ट्री मेड 64,750 ठीक है। अब यहाँ पे हम वो नंबर लिख देंगे बैग्स का जो हमारे पास है, क्या बैग्स का नंबर है हमारे पास 64,750, ठीक है। ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे हमारे पास जो नंबर है हम वो लिख देंगे, ट्यूसडे पर हमारे बैग्स बने हैं 51,060। ऑल राइट, ऑल टुगेदर बताने क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा यूज़ करने ज़्यादा बेस्ट रहेगा, यहीं पर एडिशन का साइन लगा दें। ऑल टुगेदर वी हैव, यहीं पर ऐड कर लेंगे हम, ऑल टुगेदर वी हैव डैश बैग्स, ठीक है। डैश बैग्स का पता लगेगा आपको ऐड करने के बाद, 5 + 6 = 11 + 1 = 8 + 4 = 6 + 1 कितना हो गया, 1 मिनट, हमने यहाँ पे एक मिस्टेक की बेटा, ठीक है। ये 51 जो है वो 64 के नीचे आना था, ठीक है। 4 + 1 यहाँ पे आ गया 5, और 6 + 5 कितना हो गया 11, ठीक है। अब देखें, एक भी प्लेस वाली इधर उधर हो जाती है कितना प्रॉब्लम होता है। अभी आ गया आपका एक्यूरेट आंसर, सिंपल यहाँ पे आंसर आ गया हमारे पास 115,810, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपकी ये हेल्प करूँगी कि मैं आपको यहाँ बता दूँगी ऐड होगा सब्ट्रैक्ट होगा, आप ये खुद से करेंगे। स्टेटमेंट आपने क्वेश्चन में से निकाल लेनी है। इन एन इलेक्शन मिस्टर कमाल गॉट 156,720 वोट्स एंड मिस्टर आबिद गॉट 158,986 वोट्स, हु गॉट मोर वोट्स एंड हाउ मेन एंड हाउ मैनी मोर, ठीक है। किसको डिफरेंस की बात आ गई, किसको ज़्यादा मिले, कितने ज़्यादा मिले, क्या करेंगे, माइनस करेंगे दोनों वैल्यूज को। अ लाइब्रेरी हैज़ 46,918 बुक्स ऑफ इंग्लिश एंड 1,8625 बुक्स ऑफ उर्दू, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ बुक्स। टोटल की बात आ रही है बेटा, अगेन ऐड कर लेंगे दोनों नंबर्स, यहाँ पे क्या होगा एडिशन। अ शॉपकीपर अर्न्स 170,920 इन अ वन ईयर, इफ हिज एक्सपेंसेस फॉर द सेम ईयर वर रुपीज 129,486, हाउ मच मनी डिड ही सेव। कह रहे हैं शॉपकीपर ने अर्न की इतनी मनी एक साल में और उसके खर्चे इतने निकले उसी साल के, ये टोटल वैल्यू आई जो उस ईयर उसने अर्न किया कमाया, और ये वो वैल्यू आई जो उसके अखराजात निकले, मतलब जो भी एक्सपेंसेस थे। तो इस नंबर में से इसे आप क्या करेंगे,
माइनस करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें डिफरेंस निकालेंगे कितनी मनी बची, मतलब सेव हुई, तो यहाँ पे आएगा माइनस. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर. यहाँ भी माइनस होगा, लेकिन लार्जेस्ट नंबर बेटा कौन सा होता है? सिंगल डिजिट नंबर लार्जेस्ट होता है 9. तो फोर डिजिट नंबर में क्या आ जाएगा? 4 times 9 आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से. और स्मॉलेस्ट 6 digit नंबर में जो क्या आएगा, ग्रेटेस्ट 9 digit नंबर में से 1 माइनस कर लेंगे आप, तो आपके पास स्मॉलेस्ट 6 digit नंबर आ जाएगा. अब आप ये बोलेंगे कि 6 digit ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? जिस तरह 4 digit ग्रेटेस्ट नंबर में मैंने 4 times 9 लिया, इस तरह आप ग्रेटेस्ट 6 digit नंबर में 6 times 9 लेंगे और उसमें से 1 सबट्रैक्ट कर लेंगे, माइनस होगा. अ मैन बॉट अ हाउस फॉर रुपीज़ 956,780. एक इंसान ने, एक आदमी ने घर खरीदा इतने रुपए का. ही सोल्ड 8 rupees इतने रुपए का बेचा, लेस देन कॉस्ट प्राइस, कम पैसों में बेचा. कितने कम पैसों में बेचा? मतलब ज़्यादा पैसों में खरीदा और कम पैसों में बेचा. हाउ मच डिड ही सेल द हाउस फॉर, और मतलब कितने का उसने, मतलब जो उसने जितने पैसों में उसने ख़रीदा और जितनों में उसने बेचा, उसमें कितना डिफरेंस था, कितने पैसों का, लेस देन द कॉस्ट प्राइस, हाउ मच डिड द सेल ही हाउस फॉर, ठीक है. अब ये आपने खुद करना है 6 और 7. अ स्कूल इन द विलेज नीड रुपीज़, इतने पैसे चाहिए थे फॉर अ न्यू बिल्डिंग, नई बिल्डिंग के लिए. मिस्टर अब्दुल ने इतने पैसे डोनेट किए, हाउ मच मोर मनी मस्ट बी कलेक्टेड, ठीक है. क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, इसको आपने खुद समझना है. एक स्कूल विलेज था, सही है, विलेज के अंदर एक स्कूल था जहाँ पर इतने रुपीज़ नई बिल्डिंग के लिए चाहिए थे और मिस्टर अब्दुल ने इतने रुपीज़ डोनेट कर दिए, ठीक है. तो अब आपने बताने कि हाउ मच मोर मनी मस्ट बी कलेक्टेड, और कितने पैसे चाहिए होंगे, इतने पैसों में से इतने पैसे चाहिए थे और इतने से तो आ गए, बाकी कितने पैसे चाहिए, ठीक है बेटा. जज़ाकअल्लाह खैर.